मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अपना 11th क्लास में आरोह का दूसरा पाठ चला हुआ है। मीरा के पद, पहला पद करा दिया, दूसरा पद देखिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं, आप ही हो गई साची। इसमें मीरा बाई क्या कहती है कि पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा श्री कृष्ण के सम्मुख नाचती है। लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग तरह तरह के आरोप लगाते थे कि मीरा बाई एक राजघराने से संबंधित महिला होकर के मंदिरों में नाचती है। तो कहती है, मैं अपने श्री कृष्ण, अपने भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं सही हूँ या गलत हूँ, इसका निर्णय करने वाला समाज कौन होता है? मैं तो मेरे नारायण सूँ, आप ही हो गई साची। इसका मतलब यह है, भले ही कोई मुझे अच्छी माने या न माने, सच्ची माने या न माने, लेकिन मैं अपने ईश्वर के सम्मुख सच्ची हूँ। यानी जो व्यक्ति गलत नहीं करता, गलत नहीं सोचता, उसको संसार भला कहे या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सही है, परमेश्वर की नज़र में वो सही है, और गलत है वो गलत है। तो कहती है, मैं अपने नारायण के सम्मुख सच्ची हूँ और पाक साफ हूँ, बाकी संसार से मुझे कोई प्रामाणिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। न्यात होता है कुटुंब, परिवार कह सकते हो, कुल कह सकते हो। लोग तो कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है, पागल हो गई है, और परिवार जन या कुटुंबी जो हैं, कुटुंब के लोग, वो कहते हैं कि मैं कुलनाशिनी हूँ, मीराबाई को कुलनाशिनी बताते हैं। लेकिन मीरा कहती है, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी। उदाहरण द्वारा सिद्ध करती है कि भले ही ये संसार और परिवार जन मुझे कितने भी दोष लगाएं, लेकिन मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं और मुझे किसी का कोई भय नहीं है। जब राणा ने, महाराजा ने जहर का प्याला मेरे लिए भेजा, मेरे विरुद्ध होकर षड्यंत्र करते हुए, तो उसको भी मैंने पी लिया, उसको भी मीरा ने जो है पी लिया था, और उसको पीकर भी मीरा हंस रही थी कि ये संसार कितना वहसी है, कितना दवेसी है, और इसको पता नहीं कि ईश्वर चाहे तो हलाहल भी पच जाता है, भयानक विष भी पच जाता है। मीरा उस जहर को पीकर हंसती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु तो पर्वत को धारण करने वाले अति चतुर श्री कृष्ण, गिरधर नागर, गिरि धारण करने वाले चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण हैं, सहज मिले अविनाशी, और वो अविनाशी हैं, और वो सहज भाव से ही मिलते हैं। सहज मिले अविनाशी, सहज भाव से ही अविनाशी परमात्मा मिलते हैं। आप चाहो तो सहज में श्लेष अलंकार भी बनता है, क्योंकि यहाँ सहज से दोष अर्थ चिपके हुए हैं। व्यवहार की दृष्टि से सहज का मतलब है, आदमी बिना बाहरी प्रभाव के जब रहता है उसको सहज अवस्था कहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इनकी चिंता के बिना जब रहता है उसको हम सहज कहते हैं। दूसरा, ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर का एक नाम भी सहज है, सहज ईश्वर, और सहज स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सहज में श्लेष अलंकार है। मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण है, जो चतुर शिरोमणि हैं, और वो सहज स्वभाव से ही, सहज ईश्वर सहज स्वभाव से ही मिलते हैं। यानी किसी प्रकार का तामझाम, बड़े कुल या कोई भी ऐसी शर्त ईश्वर को पाने के लिए ज़रूरी नहीं है। सिर्फ सहज भाव से उनसे जुड़ना, उनका भजन करना, अच्छी भावना धारण करना ही ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक होता है। अब इसके काव्य सौंदर्य देखिए, भाव आपके सुन में आ गया होगा कि मीराबाई का अपने परमात्मा में अटूट विश्वास है। मीराबाई का मानना है कि मेरी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ईश्वर ही पर्याप्त हैं,
और मुझे किसी से अपनी सत्यता प्रमाणित नहीं करवानी है। शिल्प पक्ष में आप लिखोगे ब्रज मिश्रित राजस्थानी हिंदी भाषा है, पिछले पद में जो बताए थे लगभग वही हैं, और स्वर मैत्री है, पद मैत्री है, कुलनासी, और इसमें इसके अतिरिक्त जो है श्लेष अलंकार भी है, प्रसाद गुण है और शांत रस है, माधुर्य गुण भी कह सकते हो आप वैसे, क्योंकि यहाँ पर भी मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन यहाँ पर प्रेम शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नहीं हुआ है, इसलिए हम प्रसाद गुण मान सकते हैं। इसमें प्रसाद गुण है, पिछले पद में माधुर्य गुण था, और शांत रस जो मैंने बताया है, अगर आप शांत रस न लिखो तो भक्ति रस भी लिख सकते हो, क्योंकि जो लोग भक्ति रस को रस नहीं मानते वो शांत रस बताते हैं, इसलिए यहाँ पर आप शांत रस भी लिख सकते हो और भक्ति रस भी, क्योंकि मीरा की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति यहाँ दिखाई देती है। यह आपकी पूरी हो गई है कविता। साथ के साथ इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? तो आप बता सकते हो मीरा श्री कृष्ण की उपासना सगुण रूप में करती है, यानी सगुण परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण को की उपासना करती हैं। मीराबाई का मानना है कि केवल गिरधर गोपाल ही उनके पति हैं, उनके पति श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट हैं, मोर पंख और मुकुट हैं, और उनके लिए मीराबाई ने सारी मर्यादाएं कुल की रीतियां छोड़ दी हैं, और श्री कृष्ण की प्रेम की बेल को हरा भरा करने के लिए आंसुओं से छींच छींच कर उसने इसको बढ़ाया है, जो अब आनंद और मोक्ष का फल प्रदान करने लग गई है, और श्री कृष्ण ही हैं जो मीरा को इस संसार के सागर से पार लगा देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है, तो ये मैं करवा चुका हूँ और ये दोबारा नहीं करवाऊँगा, आप पिछला जो वीडियो था उसमें देख सकते हो, ये जो पैरे आए हैं इनमें भाव बताना है, इसका भावार्थ क्या है, और फिर जो है विशेष या शिल्प सौंदर्य जो मैंने बताया था कौन सी भाषा है, अलंकार है, सलशक्ति है, ये सारी चीज़ें इसमें आपने लिखनी हैं दोनों की अलग अलग। प्रश्न संख्या 3, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो आप इसका उत्तर बताओगे कि लोग मीरा को बावरी कहते हैं क्योंकि मीराबाई मंदिर में जा कर के पैरों में घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण के सामने और संतों के बीच में नाचती हैं। राजघराने की स्त्रियों के लिए यह उचित रीति नहीं मानते हैं लोग, और इसीलिए वो मानते हैं कि मीरा जो है उसने लोक लाज को छोड़ दिया है, सामाजिक मर्यादाओं को त्याग दिया है, और वह बावली हो चुकी है, पागल हो गई है। चौथा प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी, इसमें क्या व्यंग्य निहित है, क्या व्यंग्य छिपा है? ऐसा क्यों कहा गया है कि विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी? इस व्यंग्य द्वारा मीराबाई कहना चाहती है कि ये संसार बहुत ही वहसी और द्वेषी है, परिवार के लोग मीराबाई की भक्ति से खुश नहीं हैं, और वो केवल अपनी पारिवारिक बड़प्पन को ही बनाए रखना चाहते हैं, ईश्वर भक्ति को कोई महत्व नहीं देते हैं। यहाँ तक कि खुद राणा ने उसको ख़त्म करने के लिए जहर का प्याला भेजा है ताकि वो मर जाएगी, लेकिन मीराबाई ने बिना डरे हुए उस विष के प्याले को भी पी लिया, और पीते हुए वो मुस्कुराती है क्योंकि उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। मीराबाई को ईश्वर में अटूट विश्वास है, आस्था है, जबकि संसार जो है ईश्वर के अस्तित्व को ही भूल चुका है, वो अपने ही दंभ और अभिमान में खोया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखो, मीराबाई का मानना है कि ये संसार भौतिक सुख सुविधाओं, झूठे मान सम्मान के पीछे पड़ा हुआ है, ईश्वर के प्रति आस्था बिल्कुल भी नहीं है, और इस प्रकार अपने ही भविष्य को और जन्म जन्मांतर को कटीला और दुखदायी करने में लगा हुआ है। मोक्ष
और शांति से दूर हट रहा है। जो लोग बुराई करने में, लोभ लालच तृष्णाओं में डूबे हुए हैं, उनका भविष्य में क्या हाल होने वाला है, इस बात को सोचकर मीरा रोने लगती है। उन्हें ऐसे लोगों पर दया आती है जिनकी आने वाले समय में बहुत दुर्गति होने वाली है, क्योंकि वो इस समय पुण्य परोपकार और ईश्वर भक्ति से विमुख हैं और केवल अपने मान सम्मान और उच्च कुल के अभिमान में खोए हुए हैं। आपका ये पाठ पूरा हो गया है, इसकी व्याख्या और अभ्यास आपने लिखना है, साथ साथ याद भी करना है।